हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस का फिफ्थ चैप्टर राइट्स। पिछली क्लास में हमने समझा था इमैनुअल कांट ने ह्यूमन डिग्निटी के बारे में क्या बात की थी, राइट्स कहाँ से आते हैं और राइट्स होते क्या हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि लीगल राइट्स और स्टेट क्या रोल प्ले करती है। देखिए, जो क्लेम्स हैं जो हम करते हैं ह्यूमन राइट्स की फॉर्म पे, वो हमें मॉरल लगते हैं, जस्टिफाइड लगते हैं, लेकिन हम तो क्लेम कर देते हैं, लेकिन वो कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या डिलीवर किया जा सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं इन फैक्टर्स में से, वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट, कि वो किस तरीके से इन राइट्स को लीगल रिकग्निशन देते हैं। कई गवर्नमेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ऐड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुछ राइट्स को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देता है। ये शुरुआत हुई थी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने पहले बिल ऑफ राइट्स को इशू किया था और फिर उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, इनश्राइन किया था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इस मॉडल को रेप्लीकेट किया और अपनी कंट्री के रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को राइट्स देने शुरू किए। हमारी कंट्री में ये जो राइट्स हैं, इन राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एक स्पेशल सेक्शन के अंदर, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा राइट्स और भी गारंटी किए गए हैं, उनको हम पॉलिसीज के जरिए डिलीवर करते हैं या कुछ लॉज बना के डिलीवर करते हैं। पर जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनको माना जाता है राइट्स ऑफ बेसिक इम्पोर्टेंस। इसके अलावा कुछ और क्लेम्स हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के लोगों के लिए। जैसे इंडिया में एक प्रोविजन था जिसमें अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई थी, क्योंकि ये ट्रेडिशन चलता आ रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए अनटचेबिलिटी को हमने एक फंडामेंटल राइट के तौर से इसे निकाला कि अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं की जाए। तो कुछ केसेस में ये जो राइट्स हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री रही होती है और कंट्री में लोगों ने उसे फॉलो किया होता है एज अ कस्टम। जैसे हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी चल रहा, सो राइट्स का होना इन इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसको प्रोटेक्शन देना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो प्रोटेक्शन दी जाती है लीगल रिकग्निशन देके या कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देके। जो राइट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, वो रिकग्नाइज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। अदरवाइज तो कितने ही राइट्स बने फिरे। लेकिन जब स्टेट को पता है कि ये राइट्स लिखे हुए हैं, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, तो वो राइट्स सर्वाइव करेंगे ना। राइट्स का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनका इंश्राइन करना कहीं पे कि हम आपको ये डिलीवर करेंगे। लीगल एंडोर्समेंट दी जाती है कि ये आपको एक स्पेशल स्टेटस देते हैं, ये राइट्स जो है सोसाइटी के अंदर। और ये सिर्फ क्लेम्स नहीं है, मतलब अगर आपसे कोई राइट्स ये खींच रहा है, कोई टेक अवे कर रहा है, कोई ले रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं, क्योंकि दीज राइट्स मीन अ लॉट टू यू, टू एन इंडिविजुअल। ये आपकी लाइफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जीने में हेल्प करेंगे। तो टाइम टू टाइम राइट्स का जो मीनिंग है उसे एक्सपैंड किया जाता है, उसे रीइंटरप्रेट किया जाता है, कुछ सेक्शन निकाला जाता है, कुछ सेक्शन ऐड किया जाता है, चेंजेस आती। काफी केसेस में ये जो क्लेम्ड राइट्स होते हैं, ये डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द स्टेट। स्टेट का मतलब टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब कोई राज नहीं होता, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ये राइट्स डिलीवर करेगी। जैसे मेरा राइट है, आई एसर्ट माय राइट टू एजुकेशन, तो मतलब मेरा राइट है एजुकेशन का। एजुकेशन का मैं क्या करूं, स्टेट मेरे को एजुकेशन लेने के लिए प्रोविजंस तो प्रोवाइड करेगा ना, बेसिस तो देगा ना। सोसाइटी एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट चीज मानती है, तो एनेबल करने के लिए ये राइट स्टेट क्या करेगी, हम लोगों के लिए स्कूल्स खोलेगी, और नहीं तो अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो स्कूल खोलेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे ताकि हर क्लास के बच्चे को बेनिफिट हो एजुकेशन से। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की आ जाती है ना। कुछ आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लोग अपना ट्राइब बचाने के लिए, अपने कस्टम बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जिन्हें हम माइनॉरिटी लोग बोलते हैं। लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है ना, गवर्नमेंट की है ना, कि अगर आप कोई राइट दे रहे हो, उसके प्रोविजंस भी तो दो उसे फुलफिल करने के लिए, इंश्योर भी तो करो कि वो राइट पूरा हो रहा है। तो राइट जो है वो एक ऑब्लिगेशन डालते हैं ऑन द स्टेट, ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे।
ईच राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो बताता है कि स्टेट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और वो क्या नहीं कर सकती, या उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. अब जैसे मेरा राइट टू लाइफ है, ये ऑब्लाइज करता है स्टेट को कि वो ऐसे लॉज बनाए जो मुझे प्रोटेक्ट करे इंजरी से दूसरे लोगों जो मुझे देते हैं. अगर किसी और की वजह से मुझे हार्म हो रहा है तो उसको सजा होगी. अगर एक सोसाइटी के अंदर राइट टू लाइफ का मतलब ये है राइट टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन देगा? स्टेट की ड्यूटी, स्टेट की पॉलिसीज. स्टेट प्रोवाइड करेगी गुड लाइफ के प्रोविजन, क्लीन एनवायरनमेंट कंडीशंस की एक हेल्दी लाइफ जी जा सके. तो इन अदर वर्ड्स जब मेरे राइट्स की बात हो रही है तो ध्यान से समझिए, स्टेट गवर्नमेंट के कंधों पे एक ऑब्लिगेशन है कि वो एक्ट करेंगे इन अ सर्टेन वे उन राइट्स को फुलफिल करने के लिए. पर राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ये नहीं बताती कि वो क्या करेंगे उनको अचीव करने के लिए, वो ये भी बताती है कि स्टेट क्या नहीं कर सकती, किस चीज से स्टेट को रोक है. जैसे मेरा राइट है राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जब चाहे मुझे आके अरेस्ट कर ले, मतलब अपनी मर्जी पे आए और मुझे जेल में डाल दे, ऐसा नहीं है. मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ. उनको रीजन देना पड़ेगा कि मेरी लिबर्टी को क्यों कटेल किया जा रहा है. जुडिशियल कोर्ट में ये सब कुछ होगा. ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस को भेजेगी और मेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट के बिना मुझे अरेस्ट करके सेंटेंस दे दी जाएगी, डेथ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा. मतलब स्टेट क्या नहीं कर सकती ये भी राइट्स इम्पोज करते हैं. तो अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया, राइट्स दो तरीके की चीजें बताते हैं. पहला, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उसे क्या करना चाहिए, और दूसरा स्टेट क्या नहीं कर सकती वो भी राइट्स बताते हैं. तो इन अदर वर्ड्स राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो अथॉरिटी है स्टेट की वो कहीं ऐसे तो नहीं लगाई जा रही जिससे हमारे जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं. इंडिविजुअल की जो लाइफ है, लिबर्टी है, उसके ऊपर वॉयलेशन हो रही है. स्टेट एक सॉवरिन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो सकती है, लॉज बनाए जा सकते हैं जो लागू भी किए जा सकते हैं, पर ये जो सॉवरिन स्टेट है ये अपनी मर्जी से किसी का भी लाइवलीहुड, किसी का भी राइट नहीं ले सकती. स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो पॉलिसीज बना रही है, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, वो लोगों के राइट्स टेक अवे नहीं कर रहे, लोगों के राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे, उनके वेलबींग को अफेक्ट नहीं कर रहे. क्योंकि ये स्टेट क्यों बनाई गई है, कंट्री में गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है ना कि लोगों की भलाई की बात की जा सके, लोगों का जो मैटर है, उनकी जो वेलबींग है, उसको परस्यू करने के लिए ही सरकार पावर में है. तो जो रूलर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस के लिए लोगों को, और उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जो कानून बना रहे हैं वो भला ही करेगा लोगों का, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, काइंड्स ऑफ राइट्स, मतलब राइट्स किस किस तरीके के होते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल राइट का कॉन्सेप्ट होता है. पॉलिटिकल राइट्स के अंदर जो सिटीजंस हैं उन्हें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, मतलब लॉ के सामने सब बराबर है. वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं या उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. एक तो ये पॉलिटिकल राइट्स हो गए. पॉलिटिकल राइट्स के साथ आ जाती हैं सिविल लिबर्टीज, सिविल फ्रीडम. जो सिविल लिबर्टीज हैं, एक तरीके के आपके राइट हैं, वो ये एज अ सिविलियन क्या क्या राइट है आपके पास. राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, मतलब अगर आपको कल्प्रेट डिक्लेयर किया गया तो पहले ट्रायल होगा कि क्या ये जजमेंट जो आई है कि आपने कुछ गलत किया, क्या ये ठीक है या नहीं. द राइट टू एक्सप्रेस वन्स व्यूज फ्रीली, आप अपने व्यूज भी एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोटेस्ट भी कर सकते हो. आप किसी चीज को नहीं लाइक करते, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये जो सिविल लिबर्टीज है, पोलिटिकल राइट है, ये बेसिस है हमारे पोलिटिकल सिस्टम के, जिसके आधार पे सरकार चलती है. तो सरकार के दो पहिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स और साथ के साथ सिविल लिबर्टीज. तो जैसे मैंने पहले बताया, जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की वेलबींग को. पॉलिटिकल राइट्स कंट्रीब्यूट करते हैं सरकार बनाने के लिए, सरकार अकाउंटेबल करने के लिए लोगों के लिए, और इम्पोर्टेंस ज्यादा लोगों को दी जाती है एज कम्पेयर टू जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या है.
इंश्योर किया जाता है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे वो अपना डिसीजन जो है गवर्नमेंट को बता पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पर ये जो राइट्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ये राइट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाले, ये तभी तो फुलफिल हो सकते हैं, एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो। वरना कोई क्यों पॉलिटिकल स्फीयर में इंटरफेयर करेगा? जो सड़क पे बैठा इंसान है उसको क्या लेना देना ऊपर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उनको तो बेसिक अपनी चीजें ही नहीं मिल पा रही, रोटी कपड़ा मकान। तो इसीलिए जरूरी है कि कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीजें, जैसे एक सर्टेन वेज लोगों को मिलनी चाहिए, कंडीशन जिसमें वो जाके काम कर सकते हैं, हर किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक ऑब्लिगेशन है, जिसमें वो लोगों को मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दें, इकोनॉमिक राइट्स दें। कई बार जो कंट्रीज हैं वो सिटीजन को, पर्टिकुलरली जो कम इनकम के लोग होते हैं, उनको हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलती हैं। जैसे हमारी सरकार ने बोला कि ठीक है नरेगा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दी जाएगी ताकि गरीब लोगों की हेल्प की जा सके। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि वो एक तरीके से जो बाकी के राइट्स हैं उनको यूज कर सके। जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनके बारे में तब सोचेंगे ना जब घर पर रोटी कपड़ा मकान होगा। ये बेसिक नेसेसिटी होगी तभी तो आगे जाके सरकार में हिस्सा ले पाएंगे, अपनी वॉइस रेज कर पाएंगे, अपने राइट्स को यूज कर पाएंगे। आज की डेट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स जो है वो ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं डेमोक्रेसीज के द्वारा, और साथ के साथ कल्चरल क्लेम्स जो सिटीजन करते हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब ये कल्चरल क्लेम्स क्या है? हमने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक राइट्स के बारे में पढ़ा, पर ये कल्चरल क्लेम ये है कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हमारी अपनी मदर टंग आती हो। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें एक बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर टंग है उसमें एजुकेशन दी जाए, या अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है तो वो अपना स्कूल इंस्टीट्यूट खोल सके जहां पे वो अपने कस्टम लैंग्वेज कल्चर सिखा रहे हैं लोगों को। इसको आज की डेट में एक नेसेसिटी माना गया है ताकि एक इंसान अच्छी लाइफ जी सके। जो लिस्ट ऑफ राइट्स हैं वो स्टेडिली धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कल्चरल राइट्स की डिमांड हो रही है। कुछ प्राइमरी राइट्स हैं जैसे राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये तो चलो बेसिक राइट्स ही हैं जिनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्लेम्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं जो जरूरी है एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए, जिनको माना जाता है कि ये भी जस्टिफाइड क्लेम्स हैं, ये भी राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आपको पता है छोटे होते से मेरे दिमाग में ये चीज है, हर कोई अपने राइट्स की बात करता है लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती है तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है, क्या लेना देना है। जो राइट्स है वो एक ऑब्लिगेशन डालते हैं स्टेट के ऊपर कि इस तरीके से एक्ट करना है, इस तरीके से नहीं एक्ट करना। जैसे स्टेट ये बोलती है कि ठीक है हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम इंश्योर करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम अचीव करना सिर्फ सरकार का तो नहीं है ना, हमारे ऊपर हर किसी के ऊपर वापस ऑब्लिगेशन आ रहा है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये हमें कंपेल करता है, फर्स्ट रूल ये हमें कंपेल करता है कि हम सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में ना सोचें, हम सबके हित में सोचें। राइट तभी आएगा ना आपका कि आपके पास कुछ राइट्स है जो स्टेट डिलीवर कर रही है, क्योंकि स्टेट भी हमें बता रही है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव हो सकता है जब अपने राइट्स से बाहर निकलोगे। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करो, मिनिमल करो एयर पोल्यूशन को, जो हम ग्रीन कवर है उसको बढ़ाओ, पेड़ सिर्फ काटने के लिए नहीं होते उनको बढ़ाओ, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाओ, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करो, ये सब चीजें हम लोगों के लिए जरूरी है। तो वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन गुड जिसपे हमें एक्ट करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए भी, क्योंकि हमें हमारी पास्ट जनरेशन ने ये दिया था और हमें ये एनवायरनमेंट अपनी फ्यूचर जनरेशन को देना है। तो सबसे पहली बात होती है कॉमन गुड, सिर्फ अपना राइट नहीं, अपनी नीड्स नहीं, अपना इंटरेस्ट नहीं, सबके राइट सबके इंटरेस्ट को डिफेंड करो, प्रोटेक्ट करो। दूसरी चीज,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमें बोलती है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे के राइट्स को। आप अपना ओपिनियन रखते हो, वैसे ही कोई और अपना ओपिनियन भी रख सकता है। जितना आप चाहते हो कि कोई और आपकी चॉइस में, आपके ओपिनियन में इंटरफेयर ना करे, वैसे ही उनको भी चॉइस है ना कि वो अपना डिसीजन ले सकें, वो चूज कर सकें जिस तरीके का म्यूजिक उन्हें पसंद है, कपड़े पसंद है। देन आपका राइट नहीं है कि आप जाके उनमें इंटरफेयर करो। मतलब योर राइट्स आर लिमिटेड टू योरसेल्फ। लिमिटेशन का एक प्रिंसिपल है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए सबके लिए, डोंट इंटरफेयर। तो पहला कॉमन गुड, सेकंड माय राइट्स आर लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। सबके लिए वही राइट्स लागू होते हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे लिए लागू हो। तीसरा, हमें बैलेंस आउट करना चाहिए अपने राइट्स को जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए। जैसे एक एग्जांपल है, आपका राइट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, जैसी पिक्चर्स चाहे ले सकते हैं, बट अगर कोई नहा रहा है तो आप उसकी पिक्चर लेके पब्लिक डोमेन पे तो नहीं ना डालेंगे, उसका राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रहा है। आप जो कमेंट करना चाहे आप वो कर सकते हैं इस वीडियो पे, बट ऐसा कमेंट नहीं ना होना चाहिए जिससे मेरा राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज की जा रही है। दैट मींस इफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए तो अपने राइट्स को चेक करो कि कहीं दूसरे के डोमेन में तो नहीं आ रहे। चौथी चीज, सिटीजंस को अवेयर विजिलेंट होना चाहिए अबाउट द लिमिटेशंस जो उनके राइट्स के ऊपर लगाई जा सकती है। एक डिबेट आज की डेट में ये चल रही है कि काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कई बार गवर्नमेंट के द्वारा इंसानों की, सिटीजंस की सिविल लिबर्टीज के ऊपर। ग्राउंड ये दिया जाता है कि कटेल कर रहे हैं राइट्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, उसको डिफेंड करना जरूरी है, उसके बाद सिटीजंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट ये रिस्ट्रिक्शंस किस हद तक लगाई जा सकती हैं ये भी तो क्वेश्चनेबल है। क्या एक कंट्री जिसे टेररिज्म से थ्रेट है, बॉम्बिंग से थ्रेट है, उसको अलाउड है कि वो लोगों के पर्सनल मेल्स, मैसेजेस जाके चेक करे, टैप करे उनकी टेलीफोन कॉल्स? तो इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस हद तक लोगों को टॉर्चर किया जा सके सच निकलवाने के लिए, उनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज की जा सके। तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि सिटीजंस को विजिलेंट होना जरूरी है कि कर्टेल किया जा सकता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, लेकिन कितना कर्टेल होना ठीक है इसके लिए अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। और लास्ट चीज, ऐसी सिचुएशन अगर हो भी जाए तो तभी कर्टेल करना जरूरी होता है जब सोसाइटी को सच में थ्रेट होता है। इवन जो इंसान को आपने अरेस्ट किया है उसे लीगल काउंसलिंग दी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपना केस प्लीड कर सके मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ लॉ में। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि हाँ आप लोगों की सिविल लिबर्टीज जो है उसे कर्टेल कर सकते हो, बट कई बार ऐसी पावर को मिसयूज भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर अथॉरिटेरियन बन गई तो डेफिनेटली सारे के सारे राइट्स जो है वो ले लिए जाएंगे, और हो सकता है वो बन जाए कि अरे हम तो वेलबींग की बात कर रहे हैं अपने लोगों के, तो जो राइट्स हैं हम मानते हैं वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, मतलब बिल्कुल जो बोला है बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते। बट हमें अटेंटिव भी होना जरूरी है कि कितना जरूरी है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्या बेसिस होना चाहिए सरकार का डेमोक्रेटिक सेटअप में कि वो किसी के राइट्स को कर्टेल कर रहे हैं? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 10th दिसंबर 1948। इस डिक्लेरेशन में यूनाइटेड नेशन यही बोलता है कि हम स्ट्राइव करेंगे कि लोगों को सिखाया जाए, एडुकेट किया जाए कि रिस्पेक्ट करना चाहिए उनको राइट्स को, उनके फ्रीडम को, और साथ के साथ में प्रोग्रेसिव मेजर्स भी लेने चाहिए कि यूनिवर्सल लेवल पे एक लोगों के बीच में भाईचारा हो और राइट्स को लेके अवेयरनेस हो। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।